दोस्तों शुभमन गिल के इंजरी को देखकर सारा तेंदुलकर बहुत ही शॉक्ड हो गए। जी हाँ दोस्तों, सारा तेंदुलकर को देख के लग रहा था वो शायद भगवान से मांग रहे हैं कि शुभमन को कुछ ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में ऐसा नजरिया देखने को मिला जहां पर इंडिया बहुत अच्छा शुरुआत किया था और वहां पर शुभमन गिल अपना निजी स्कोर 79 रन पे थे और तब शुभमन गिल दौड़ते वक्त अपना पैर पे थोड़ा मोच या फिर हैमस्ट्रिंग में कुछ भी हो वो आ गया और उसके बाद वो जमीन में बैठ गए। फिजियो डॉक्टर आया इंडिया के टीम इंडिया के और वहां पर आकर शुभमन गिल ने कहा मैं नहीं खेल सकता, तो वहां से वो वापस पवेलियन की ओर चलते बने। तब सारा तेंदुलकर को देखा गया उनका ये रिएक्शन और होना भी चाहिए क्योंकि शुभमन गिल और इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था। इसके बाद है डायरेक्ट फिनाले, फिनाले में जाना हो तो ये मैच जीतना ही जीतना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है?